तो मैं यहाँ पर आधार से रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ। जो आपको आधार कार्ड में एड्रेस जब अपडेट करना होता है, तो एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको जाना पड़ता है आधार सेंटर, ठीक है। और कई लोग का ऐसा होता है कि मान लीजिए आधार कार्ड उनको अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, तो आधार कार्ड के लिए एड्रेस के लिए हम क्या प्रूफ दें। तो यहाँ पर मेन बात यहाँ पर प्रूफ का आती है कि मतलब एड्रेस प्रूफ में हम कौन सा डिटेल दें कि हमारा एड्रेस सही हो जाए, और विदाउट एड्रेस कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है यहाँ पर आधार अपडेट करने का। या तो कई ऐसा होते हैं, जैसे मान लीजिए महिला होते हैं, उनका पहले से उनका नाम पिताजी का रहता है, और जब उनका शादी जब हो जाते हैं तो शादी हो जाने के बाद उनका उस एड्रेस पर अपना एड्रेस वहाँ रखना चाहते हैं, जो ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल का एड्रेस रखना चाहते हैं, साथ में वहाँ पर पिताजी की जगह पर पति का नाम डालना होता है, तो उस स्थिति में आपको कैसे वो सब सुधार करेंगे। जैसे पर पिताजी के नाम पर के जगह पर पति का नाम करना, और एड्रेस जो घर का जो मायके का उनका एड्रेस होगा, तो अब ससुराल का एड्रेस कैसे करेंगे वहां पर। तो उस स्थिति में आपको एड्रेस वहां पर बनवाने के लिए, एड्रेस प्रूफ बनाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उस सारी मुश्किल को मैं यहां पर इस वीडियो में आप सभी को दूर करने वाला हूं, किस तरह से आपको वहां पर एड्रेस को अपडेट कराना है और किस तरह से आप अपना एड्रेस 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना गूगल ओपन करेंगे, वहां पर टाइप कीजिएगा UIDAI, ये वाला वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपको पेज ओपन होगा इस तरह से, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में आप सहमत होंगे उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। मैंने इंग्लिश चूज किया है। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर नीचे लिखा है गेट आधार डिटेल, यहाँ आधार अपडेटेशन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर आधार अपडेट वाला पर। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, और यहाँ पर आने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये वाला पर ओपन हो जाइएगा। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर लॉगिन करना होगा पहले, यहाँ पर लॉगिन वाला पर क्लिक कीजिएगा। और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करना है, इस पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर अपना डाला है, और ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में डालने के बाद ओटीपी मैंने किया, ओटीपी आ चुका है, लॉगिन वाला पर क्लिक करूंगा। तो आप लॉगिन आप इस तरह से हो जाओगे। आपको क्या करना है, पहले यहाँ से चेक कर लेना, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, ठीक है। और फ्लिप आधार कार्ड पर क्लिक कीजिए तो आपको पीछे वाला जो एड्रेस होगा ना, वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैंने देख लिया अपना एड्रेस, मुझे एड्रेस सुधार करना है, तो यहाँ पर देखेंगे एड्रेस अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, अपडेट एड्रेस जो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको करना होगा, और यहाँ पर विदाउट डॉक्यूमेंट से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड दिखाने वाला हूँ, पहले आपको फर्स्ट मेथड दिखाता हूँ, दिखाना चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट के माध्यम से, डॉक्यूमेंट वाला पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्लिक करते आपको यहाँ पर पूरा डिटेल समझाया गया है कैसे करना है। इसके बाद पॉजिटिव आधार अपडेट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, पहले सब कुछ होता था, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब भी सुधार होता था, लेकिन अब यहाँ पर केवल एड्रेस सुधार करने का ऑप्शन देता है, नो लिमिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एड्रेस वाला पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एड्रेस आपको दिखा देगा, जो पहले से एड्रेस अपडेट होगा ना इसमें, तो वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा डिटेल ऑफ अपडेट, यानी कि जो आप एड्रेस रखना चाहते हैं वो यहाँ पर डालिएगा। जैसे यहाँ पर केयर ऑफ, यानी कि अपने पिता का नाम यहाँ पर डालिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर पिता का नाम। या तो अगर जो गर्ल्स होंगे वो अगर जिनका शादीशुदा हो गए होंगे तो उनका यहाँ पर पति का नाम डाल सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, पिता की जगह पर पति का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग अपार्टमेंट का नंबर आता है, यहाँ पर डाल लीजिएगा जो भी होगा। यहाँ पर स्ट्रीट या लाइन या स्ट्रीट रोड लाइन का नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा, जैसे डिटेल, जैसे कि पोस्ट ऑफिस वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पर, या तो जो भी प्रचलित एरिया हो वहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा यहाँ पर। लोकेटर या सेक्टर का नाम यहाँ पर डालिएगा, जो भी एरिया के अंतर्गत आते होंगे, क्षेत्र, इलाका, जो सेक्टर होंगे उसके, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। लैंडमार्क का नाम डाल लीजिए, जो मतलब ज़्यादा प्रचलित एरिया हो ना, तो उसके अनुसार से यहाँ पर याद होता है। सीमा चिन्ह का यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, इसमें इंग्लिश में डालिए तो हिंदी में डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए औरंगाबाद इस तरह से टाइप करता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टैप करेंगे ना, तो यहाँ पर औरंगाबाद हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड डाल लीजिएगा, यहाँ पर स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एड्रेस पिन कोड डालिएगा ना इस तरह से, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट आपको आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखने को नहीं। यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें से जो भी आपका होगा, ठीक है ना, यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा।
और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब होता है डॉक्यूमेंट मैन्युअली अपलोड करना और यहाँ पर एक डिजी लॉकर से अपलोड करना होता है। तो मैन्युअली आप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपको मैन्युअली लगाना हो, इसमें से चूज करना होगा जो भी आप रखना चाहते हैं इसमें से डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए जो आपके पास अवेलेबल, जैसे वोटर आई डी कार्ड, वैलिडेशन, यानी कि जो भी आपके पास हुआ यहाँ पर दिया है, अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, ये सब, इलेक्ट्रिक बिल और सर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, इसमें से आप अगर देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसके अनुसार यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चूज करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर 100% सक्सेस हो जाएगा, जो इस तरह से रहेगा। तो जैसे वहाँ पर सिलेक्ट कीजिए तो इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जो भी डिटेल्स आपका सही होना चाहिए इस तरह से प्रॉपर रूप से। ठीक है, यहाँ पर ओके कीजिएगा और ओके करने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड में आ जाएगा। तो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से 100% सक्सेस दिखाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो पूरा डिटेल्स आप इस तरह से फिल कर लेंगे जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से फिल कीजिएगा। ठीक है, फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के बाद नेक्स्ट का सेक्शन इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाने को मिलेगा, जो डिटेल्स आपने अभी तक फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने जो डिटेल्स फिल किया है न्यू एड्रेस में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर भी दोनों पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट का सेक्शन इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको आता है पेमेंट करने का मोड, यहाँ आप पेमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका अपडेट हो जाता है। चलिए, आपको पेमेंट करने का सेक्शन इस तरह से खुलेगा जो आपको 50 रुपया पेमेंट करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी मेथड चूज कीजिएगा, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर पेमेंट के मोड पर डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलिए मैं सेकेंड मेथड दिखाने वाला हूँ किस तरह से करना है। मैंने फर्स्ट मेथड दिखाया, यहाँ पर से इसी पर आना है। अब चलिए यहाँ पर सेकेंड मेथड दिखाता हूँ। हेड ऑफ फैमिली SOF वाला पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जो आपका करेंट एड्रेस होगा ना, यहाँ पर आपको देखने को ये सारा मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा डिटेल्स ऑफ HOF यानी हेड फैमिली मेंबर का रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। यानी कहने का मतलब है, जिनका एड्रेस आप अपने आधार में, यानी कि ये है आपका आधार, ठीक है, इस वाले आधार में अगर एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, जो एड्रेस रखना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा जिसका आप एड्रेस रखना चाहते हैं। सही है, जैसे मान लीजिए मेरे घर का व्यक्ति है, ठीक है, और मेरा एड्रेस कुछ और मेरे घर वालों का एड्रेस कुछ और है, ठीक है, तो जिनमें हमारे फैमिली में जिनका आधार सही है, ठीक है, उनका आधार नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे घर है तो मैं अपने यहाँ पर आधार लॉगिन किया हूँ, ठीक है, और एक और जो हमारे घर के फैमिली हैं उनका एड्रेस हम रखना चाहते हैं, खुद रखना चाहते हैं, जो मैं यहाँ पर लॉगिन किया हूँ, उन्हीं का यहाँ पर आधार नंबर हम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दिखाएगा, तो इस तरह से अपना वहाँ पर आधार नंबर डालिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर यहाँ शो कर जाएगा। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पर आपको रिलेशन चूज करने के लिए, जो आप इनका जो आधार नंबर डालें ना, ये आपको कौन लगते हैं, ठीक है, ये जो इनका जो आधार लॉगिन है ना, उनका ये जो आधार नंबर हम जो डाल रहे हैं, जैसे मैं अपने ये पिताजी का आधार में डाल रहा हूँ, तो ठीक है, ये हमारे कौन लगते हैं, जो ये है, ये हम उनके बेटे हैं, ये हमारे पिताजी का आधार नंबर है, ठीक है, तो ये मैं अपना आधार में अपने पिताजी वाला आधार का जो एड्रेस है वो मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं अपने पिताजी का आधार यहाँ पर इंटर किया हूँ और यहाँ पर लॉगिन है मेरा आधार, ठीक है, और यहाँ पर पिताजी का आधार नंबर है, ठीक है, तो उनके वाला यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा और उनसे हमें क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पर फादर है तो यहाँ मैं फादर सेलेक्ट कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है वैलिडेट सपोर्ट डॉक्यूमेंट। सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है ना, कि यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर नोटिस फॉर्मेट फॉर द HOF बेस एड्रेस अपडेट पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर ओके कीजिए, यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन समझाया गया है, ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर एक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कौन वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये वाला आपको फॉर्मेट है, इसी वाला फॉर्मेट को, यानी पेज नंबर 10 से लेकर और यहाँ पर यहाँ तक है, यानी पेज नंबर 10 केवल अपलोड करना है आपको, पूरा पूरा डिटेल्स लिख कर, ठीक है। तो कैसे कैसे फॉर्म को ये भरना है, तो नीचे यहाँ पर डेमो के रूप में दिखाया गया है, इस तरह से डेमो यहाँ पर दिया गया है, ये आपको डेमो के रूप में बताया गया है, इस तरह से आपको फॉर्मेट को पूरा भर लेना है, इस तरह से आपको करना होगा ये डिक्लेरेशन। इस तरह से डिक्लेरेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये मान लीजिए फॉर्मेट का इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्म को भरिएगा, भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड वाला पर क्लिक कर देना है।
और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा इस तरह से 100%। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट का मोड ओपन होगा, जो पेमेंट यहाँ पर आपको करना होगा उसके लिए आपको इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें से दोनों में से कोई एक मेथड चूज कीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपये पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटने के बाद आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा जिससे आपको अपने 100% एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले मेथड में केवल आप एड्रेस को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाला मेथड है तो उसमें आप एड्रेस के साथ साथ में पिता के जगह पर पति का नाम भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों में चेंजिंग है। तो इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कहीं भी अगर मन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।